भाई लोगों ने एक बात करनी है साहब को। बोल बंसी वाले, ठीक है? नहीं साहब, बात करना चाह रहे हैं। रुको, कहाँ से लेके आ रहे हो? जवाब देना। मैंने पूछा वैसे सुरो से यहाँ तक जा रहे हो, बहुत अच्छी मेहनत कर रहा हूँ। मैं भी भोले बाबा का भक्त हूँ, मैं डेली ओम नमः शिवाय लिखता हूँ शाम से। लेकिन ये पूछ रहा हूँ, स्कूल जाने में ज़्यादा फायदा है कि मतलब सुरो से यहाँ तक जल ला के भोले बाबा को चलाने में? स्कूल जाने में फायदा है, सबको पता है, लेकिन अपने जो फूल मतलब जो फूल जल कर रहा है वो तो हाँ वो तो चल जाए। हम भी जैसे कर रहे हैं, हम डेली पूजा करते हैं, बस तो इसी कारण ना पड़े। लेकिन इतना बच्चों में समर्पण हो ना कि स्कूल के लिए, जैसे तुम देखते हुए जा रहे हो, कभी गए हो ऐसा स्कूल? जब जाते थे सभी जाते थे, बच्चों को भेज रहे हो? हाँ सभी जा रहे हैं, ऐसे ही भेजना। अगर इतना समर्पण पढ़ाई के प्रति बच्चों में दिखा दोगे तो देखना भोले बाबा बहुत अच्छी नौकरी जाते हैं। सभी सब जाते हैं, हमारे पिताजी भी ऐसी परिक्रमा लगाते थे भोले बाबा बाहर की, लेकिन वो हमें पढ़ाते थे, बोले तुम इधर मत करो, तुम पढ़ाई नहीं जाओगे तो हम बढ़िया नौकरी में हो जाओगे। बच्चों को पढ़ाओगे? स्कूल भेजेंगे बच्चों को? भेजोगे? भोले बाबा की कसम खा के बोल रहे हो? भोले बाबा की कसम खा के वो तो पढ़ ही रहे हैं। हाँ बोलो, टावर की तरफ हाथ करके बोलो, बोलो मैं भोलेनाथ की कसम खाता हूँ कि अपने बच्चों को डेली स्कूल भेजूंगा और उनके मास्टरों से पढ़ाई के बारे में चर्चा करूंगा। जय हिंद। वो आप लोगों ने बड़ी मेहनत कर रहे हो, भक्ति भाव देखकर हमने, मेरा भी प्रयास है कि आप बच्चों को अपनी शिक्षा भी दें और ये जो भक्ति कर रहे हैं वो करें। तो आज ये राठौर साहब हैं, आपको भोजन हमारी तरफ से कराएंगे, ठीक है? पैसे ऐसे नहीं देना तुम लोगों को, ये मांगे तो बताना मेरे को, मैं दूंगा इनको ना, ठीक है? एक बार राठौर साहब के लिए ताली बजाओ जोर से, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। और क्या बोला करते हो आप लोग? बोल गंगा, बोल सरस्वती मैया की जय। देखो आप गंगा मैया की पूजा कर रहे हो जरूरी, लेकिन सरस्वती मैया भी जरूरी, बहुत जरूरी है। हमने सरस्वती मैया की बचपन से पूजा की तो ये पहने खड़े हैं ना, तो आप लोग भी बढ़िया करो, ठीक है? बोलो सरस्वती मैया की जय, ठीक है? भोजन कराते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।